लाहौर पुलिस ने 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं सरफराज खान से। सरफराज बताइएगा जी, मुहर्रम अल हराम के मौके पर 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दिन जो है वो महकमा दाखला के हुक्म पर लाहौर पुलिस जो है वो अमल दरामद करवाते हुए 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर डबल सवारी और जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन की जो है वो बंदिश के अहकाम जारी किए गए हैं। मुहर्रम अल हराम के मौके पर स्पेशली 9वें और 10वें मुहर्रम पर शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसकी बिरा पर शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सरफराज खान के रूट्स के हवाले से कौन कौन से रूट्स खुले रहेंगे जहां से आम आवाम गुजर सकती है, और कौन कौन से मुतबादल रूट्स का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, अगर रूट की बात की जाए तो अंदरून शहर की बात की जाए, मोची गेट, दिल्ली दरवाजा और इसके गिर्दो नवाह के जो सड़कें हैं उसको बंद करके और एक ही सड़क का रास्ता जो दाता दरबार और दूसरी जानब रेलवे स्टेशन की जानब जो जा रहा है वो खोला जाएगा। दूसरी जानब रेलवे स्टेशन से मार रोड और मार रोड से जो किनार रोड है वो शहरियों के लिए खोला जाएगा। जो हसास मकामात हैं उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। हसास मकामात को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सरफराज खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ इसी हवाले से बात करेंगे। मुहर्रम और हराम के रूट पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए महकमा दाखला के इकदाम, मरकजी जुलूस के रूट की सीसीटीवी कैमरों के जरिए चेकिंग होगी। 9 और 10 मुहर्रम और हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद करने पर भी गौर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक बोदला से। फारूक बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं। पंजाब ने लाहौर से पंजाब भर में जल्द से जुलूसों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के हवाले से इकदाम भी किए हैं। मॉनिटरिंग सेल भी कायम किए गए हैं। महकमा दाखला में भी कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिसके जरिए कैमरों के जरिए सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया जाएगा। और इस हवाले से महकमा दाखला पंजाब के सीनियर अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी है, और महकमा दाखला में गौर किया जा रहा है कि जो लाहौर में मरकजी जुलूस है उसके रूट पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए चेकिंग के इंतजाम किए जाएंगे, और 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस को जुजी तौर पर बंदिश पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमत पे पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर मंजूरी के बाद ये मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। जराए का कहना है कि महकमा दाखला की पंजाब की जानिब से अहम हदायत मुतलका अफसरान को दी जाएंगी, क्योंकि लाहौर में पंजाब भर में 10,000 से जायद जो हैं वो जुलूस निकाले जा रहे हैं, और इसके अलावा तमाम लाहौर में बड़े शहरों में जो है जुलूस जो हैं मजालिस जो हैं वो तकरीबन 37,000 से जायद जो है वो मजालिस हैं, जिसमें मजहबी जो है अफराद शिरकत करेंगे। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब का यही महकमा दाखला के इकदाम के हवाले से आगाह कर रहे थे फारूक बोदला, बहुत शुक्रिया आपका।